नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज के दौरे पे हैं। वो गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरहौला उच्च विद्यालय के प्रांगण में आएंगे। मैं तस्वीरों में दिखाने चाहेंगे कि जो स्टेज यहाँ पे बना हुआ है, जो मंच बना हुआ है, यहीं से एक जनसभा को संबोधित करेंगे। क्षेत्र से तमाम महिला, तमाम लोग इनके बातों को सुनने के लिए आए हैं। कुछ लोगों से मैं बात भी करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो ये चुनाव होने वाला है, चुनाव का क्या मूड है और जो मतदान होगा 25 तारीख को वो किस तरह से होगा। क्या नाम है चाची? कहाँ से आयल वानी? सोनावला से आयल वानी। कचरा के सुने खाते आयल वानी? नीतीश कुमार क्या होता है? नीतीश कुमार ये जरा जो वोट हुई 25 तारीख के, वो कौना मुद्दा पर वोट हुई? कमल पर। कमल पर एजा कमल छाप नहीं के, एजा एनडीए गठबंधन व नीतीश कुमार जी के पार्टी से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन आज भाई चुनाव चिन्ह तीर्थाप 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 को मिल गई। विकास भइल बा गोपालगंज में, और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। छात्र लोग है, क्या नाम है बाबू आप? सौम्या कुमारी। आप एक छात्र है, किस क्लास में पढ़ती है? 12th में। गोपालगंज में किस तरह का विकास नीतीश सरकार में हुआ है और नीतीश कुमार यहाँ पे आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आप आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारे इस जगह पर आए हैं और हम लोगों को उनके उनको सुनने को मिलेगा, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। छात्रों के लिए भी वो बहुत कुछ किए हैं, KYP की सुविधा उपलब्ध कराए हैं जिससे कि हम लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में समुचित ज्ञान हो रहा है। ऐसे ऐसे प्रदेश में वो अन्य विकास भी किए हैं, सड़क भी बनवाए हैं, तो उन्हीं को हम लोग सुनने के लिए आ रहे हैं और वो चुनाव के बारे में बताएंगे जो सबके लिए लाभदायी होगा, तो वही सुनने के लिए हम लोग। आपका मतदान सूची में नाम आ गया होगा, वोटर लिस्ट में नाम आ गया आपका? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी अगले साल मेरा उम्र होगा। आप लोगों के लिए तमाम योजनाएं चलाए, साइकिल योजना, पोशाक योजना, उनको सुनने के लिए आए। क्या नाम है आपका? आशीष कुमारी बनवाल। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को जानते हैं आप? गोपालगंज के डॉक्टर हैं। गोपालगंज में उनके द्वारा जो पूर्व में रहे हैं तो विकास किया गया है? नहीं पता, नहीं पता है। चलिए, बहुत सारा, कहाँ से आई है? विशनपुरा से। विशनपुरा से आई है, क्या नाम हुआ आपका? संगीता देवी। ककरा के सुने आयल बानी, क्या होता है? नीतीश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं आपके संसदीय क्षेत्र में। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, आपके ये कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमरेंद्र पांडे है, उनके द्वारा इस क्षेत्र में विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य तो हुआ है, हुआ है जी। अभी हम आएंगे कुछ ही देर बाद यहाँ पे मंच से, जो सभी लोगों को संबोधित करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जब मुख्यमंत्री आएंगे कहाँ से आई बानी। ककरा का सुना आयल बानी, क्या होता? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार के राज में विकास भइल बा बिहार में? नीतीश कुमार के नाम सुनते ही महिला के चेहरे पे खुशी झलक गया, क्योंकि नीतीश कुमार के द्वारा बहुत सारे महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए यह सब कदम उठाया गया है और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चलाया जा रहा है, जिसको लेके कहाँ से आयल बनी? रूपया से। ककरा के सुने आयल बनी? नीतीश कुमार के। वोट आज 25 तारीख के वोट कर रहे, क्या मन में बा? वोट दिया नीतीश कुमार के। वोट दिया? वोट दिया या नीतीश कुमार के दिया? तो और भी कुछ लोगों से मैं बात करूंगा। और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि गोपालगंज पुलिस प्रशासन के द्वारा यह जो सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किया गया है, चप्पे चप्पे के महिला पुलिस के जवान, पुरुष पुलिस के जवान, हर तरह के जवान तैनात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा सूचना मिला है कि पटना से चल दिए हैं और हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे उतरने के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। गोपालगंज सुरक्षित सीट, सुरक्षित सीट जो है, लोकसभा सुरक्षित सीट है, जिसका प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है, उनके पक्ष में मतदान करने को यहाँ पे जो जनसभा है, जो जन सैलाब है, उससे अपील करेंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम भारी संख्या में यहाँ पे महिला आके बैठी हुई है और नीतीश कुमार को सुनने के लिए, नीतीश कुमार को एक झलक पाने के लिए महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। तमाम महिलाओं से मेरी बात हुई,
जिनके जिनके जब नीतीश कुमार के नाम सुनते हैं उनके चेहरे पे खुशी झलक गया, क्योंकि उनके द्वारा बताया गया कि तमाम तरह की योजनाएं नीतीश कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है। नीतीश कुमार आएंगे और नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ से विकास सभा को संबोधित किया जाएगा। दर्श न्यूज के लिए गोपालगंज से मैं शरद कुमार श्रीवास्तव।